बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस राजनीति में समय समय पर मुसलमानों की आलोचना भी देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी की ओर से मुसलमानों के कुछ समुदाय के साथ निकटता बढ़ाने की कोशिश भी देखी गई है। इन्हीं समुदायों में से एक है दाऊदी बोहरा समुदाय, जो मुख्य रूप से मिस्र से सदियों पहले गुजरात आए और यही बस गए। ये मुस्लिमों में शायद सबसे पढ़े लिखे, आध्यात्मिक और व्यापार करने वाले होते हैं। इनके हमेशा से देश की सरकारों के साथ नजदीकी रही है, लेकिन बीते दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंचकर इस समुदाय के प्रमुख के साथ रोटियां बेलते हुए नजर आए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ जानकारों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजिक राजनीति बताई तो कुछ ने इसके पीछे बोहरा समाज और पीएम मोदी के बीच का पुराना रिश्ता बताया, पर सच्चाई क्या है? 10 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के मरोल में अल जामिया तुस सैफिया कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान दाऊदी बोहरा समाज के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। दोनों हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए, साथ में रोटियां बेलते हुए भी उनका वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने स्पीच में इसे अपना परिवार बताया और यहां तक कह दिया कि उन्हें शिकायत है कि उन्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उपाधि देकर ना बुलाए, बल्कि वो परिवार के सदस्य है। तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता। अल जामिया तो सैफिया कैंपस, जो कि एक विश्व स्तरीय अरबी अकादमी है, 2 सदियों से भारत में काम कर रहा है। फिलहाल इसके प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये संस्थान चल रहा है। फिलहाल दुनिया में इसके 4 कैंपस हैं। ये अरबी अकादमी भारत, पाकिस्तान और केन्या में इस्लामी शिक्षा देता है। भारत में अब इसके 2 कैंपस हैं। सबसे पहला कैंपस भारत में ही सूरत में 1810 में बना था। परंपरा के मुताबिक दाऊदी बोहरा शिया मुसलमानों का एक संप्रदाय है। इसके समाज में एक मुखिया होता है जिसे धर्म गुरु कहा जाता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके आदेशों का पालन समुदाय के सभी लोगों को करना जरूरी होता है। समुदाय की तरफ से सभी सदस्यों को एक पहचान पत्र भी जारी किया जाता है। अगर कोई सदस्य धर्म गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उस इंसान को दाऊदी बोहरा समाज से जुड़ी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती। इसे ही बहिष्कार प्रथा के नाम से जाना जाता है। दाऊदी बोहरा समाज के साथ मोदी का एक खास रिश्ता है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2005 में समाज ने सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। पीएम मोदी ने 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। वो ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। हालांकि ऐसा नहीं है समुदाय का इससे पहले कोई वजूद ना रहा हो या किसी दूसरे प्रधानमंत्री से अच्छा रिश्ता ना रहा हो। इस समुदाय ने 2005 में मुंबई में सैफी अस्पताल शुरू किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उद्घाटन में पहुंचे। यही नहीं, लगभग 7 दशक पहले जब सूरत में उनका कोई बड़ा कार्यक्रम था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम वर्ग बीजेपी का हितैषी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी काफी तवज्जो दी। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में अपने भाषण में बोहरा समुदाय की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने बोहरा समुदाय की देशभक्ति, कारोबार में ईमानदारी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बोहरा समुदाय से बड़ा ही पुराना नाता है। आप गुजरात में शायद ही ऐसा कोई गांव पाएंगे जहां आपको बोहरा समुदाय के कारोबारी नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बोहरा समुदाय के लिए कारोबार संबंधी नियम कायदे में छूट दी थी। उनके इस पहल के बाद से ही बोहरा समुदाय मोदी के करीब आया था। बोहरा समुदाय के कई लोग धारा प्रवाह गुजराती भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बोहरा समुदाय के करीब आने के पीछे ये भाषाई जोड़ भी अहम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश हो या विदेश में बोहरा समुदाय के लोगों से मिलते रहे हैं।
2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन में समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की थी। हालांकि इसे एक तरफ मुंबई बीएमसी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात के बाद इस समुदाय के लोग मुंबई में सबसे ज्यादा है। ऐसे में कुछ जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक तीर दो निशाना लगाया गया है। देश में करीब 20 लाख आबादी वाले इस समुदाय की मोदी से नजदीकी बीजेपी के लिए एक जीत है और इस बात को प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं। इसीलिए पिछले महीने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अल्पसंख्यकों, खासकर पसमांदा और बोहरा मुस्लिमों के पास जाने को कहा था। बता दें, बोहरा समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपरा के तहत कारोबार, जल कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े रहते हैं। वो राजनीति और विरोध प्रदर्शनों से दूर रहते हैं। बोहरा समुदाय NTCAA प्रदर्शनों से भी दूर रहा था। इसके अलावा ये समुदाय अन्य विवादित मुद्दों से भी दूरी बनाता है। भारत में दाऊदी बोहरा मुख्य रूप से गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, नवसारी, दाहोद, गोधरा, वही महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वही राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश में इंदौर, बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर के अलावा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी बसे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव के आसार है। मुंबई में भी बीएमसी का चुनाव होना ही है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में मुसलमानों की आबादी 20.65% है। मुस्लिम समुदाय का वोट नगर निगम चुनाव में पहले कांग्रेस को मिलता रहा था, जो बाद में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओवैसी की पार्टी में भी चला गया। हालांकि इस बार तो उद्धव की शिवसेना भी मुसलमानों का साथ मांग रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का विजिट क्या रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।